अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन का दालचा। ये मैं दावत के लिए बना रही हूँ। 20 से 25 लोगों के लिए, तो इसके लिए हम लेंगे मसूर और तुअर की दाल को धो के कुकर में डाल दी, में पानी डाल के, आप चाहे तो चने की दाल को भी ले सकते हैं, गलने के लिए रख देंगे। जब तक हम इमली को भिगा ली, मैं इमली को धो के भिगने रख ली थी, दाल गल गई। दाल को इस तरह से घोट के रख लेना। 700 ग्राम दाल ली मैं, कुछ कम, 1 किलो के करीब। इमली का खट्टा मत के निकाल लेंगे हम, इमली पूरी अच्छी नरम हो गई। इमली आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। ये देखिए खट्टा पूरा निकाल ली मैं इमली का। अब जो हम दाल घोट लिए थे उसमें इमली का खट्टा डाल देंगे। अच्छा मिला लेंगे हम। अब हम कद्दू काट के रख लेंगे। इस तरह से कद्दू काट के रख लेना, पानी डाल के रख लेना इसमें। अब हम एक बर्तन में, एक भगोने में तेल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। दो सौ पचास ग्राम जितना ऑयल है 300 ग्राम जितना। अब हम इसमें एक प्याज डाल देंगे कट करके। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली मैं। गोश्त डाल देंगे हम इसमें, मटन डाल देंगे। मटन आप अपने हिसाब से लीजिए। अच्छा मिला लेंगे मटन डालने के बाद में। 1 kg मटन ले ली थी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून, बड़े स्पून है, 2 स्पून फुल अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली मैं। अच्छा भून लेंगे इसको। तो हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 स्पून, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 6 स्पून लाल मिर्च पाउडर ली मैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छा मिक्स कर देंगे इसको भी हम, मिर्ची को भी। आप चाहे तो हरी मिर्ची का भी बना सकते हैं। अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर कट करके रख ली थी मैं, कुछ कम 1 किलो जितने टमाटर हैं ये। अच्छा मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे। चार स्पून नमक डाली में, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अच्छा मिला लेंगे। टमाटरों को अच्छा भूनते जाना, ढक्कन ढाप के भुने पकाए तो टमाटर गलते। अच्छा अच्छे से भून लेंगे टमाटरों को।
टमाटर और प्याज को अच्छा भून लेना। अब हम इसमें कद्दू डाल देंगे। दो कद्दू ली मैं, दो कद्दू को काट के डाल रही मैं। अब हम इसमें कोथमीर डाल देंगे एक मुट्ठी जितना, कट करके मिला लेंगे। अब हम इसको ढक्कन ढाप के पका लेंगे। चेक कर लेंगे हम कद्दू गला है नहीं गला। कद्दू डालने के बाद और पानी रिलीज़ होता है इसमें। फिर से भुनेंगे हम सालन को। कद्दू भी गल गया, टमाटर भी गल गए अच्छे से। अब हम जो दाल में खट्टा मत के डाली थे वो डाल देंगे। घोटी हुई दाल में खट्टा मत के डाली थी मैं। अब इसके साथ हम भगोने को खंगाल के पानी भी डाल देंगे। दालचा कितना गाढ़ा होना कितना पतला होना वो हिसाब से पानी डालेंगे हम। अब हम इसमें कोथमीर डाल देंगे एक मुट्ठी जितनी, कोथमीर काट के डाल देंगे। करियापत्ता डाल देंगे एक मुट्ठी। थोड़ा पुदीना भी डाल देंगे हम इसके साथ। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। दो स्पून गरम मसाला पाउडर ली मैं। थोड़ा सा पुदीना डाल के अच्छा मिला लेंगे दालचीनी को। एक बार आप इस नमक टेस्ट करके अगर कम पड़ा तो फिर से डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से रहना इसका। ये ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, आंट के बराबर हो जाता है। बॉयल होने तक उबाल लेना। ये देखिए उबाल आ गया। अब हम इसको तेल निकले तक पका लेना। रेडी हो गया दालचा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।